अभी अभी सीबीएसई में से एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो बाहर निकल के आ रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले ही कुछ दिनों में जो हमारा फिजिक्स का एग्जाम हुआ था क्लास 12 का, तो उसमें बच्चों ने क्लेम किया था कि जो उनका फिजिक्स का एग्जाम आया वो बहुत ही ज़्यादा टफ और लेंथी आया, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स ने आपस में मीटिंग भी की थी और सीबीएसई बोर्ड को मेल भी किया था कि बच्चे जो है वो क्लेम करें कि उनका जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा टफ आया था और बहुत ही ज़्यादा लेंथी आया था। जैसे कि यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट भी मेरे पास आया सीबीएसई की तरफ से, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा होगा। द कंसर्न केम आफ्टर रिसीविंग फीडबैक फ्रॉम वेरियस स्कूल एंड स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू ए लेटर बाय द काउंसिल, द स्टूडेंट फाउंड ऑल द 3 सेट्स ऑफ द सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी पेपर रिलेटिवली टफ एंड डिफिकल्टी लेवल वॉज बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। मतलब इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि प्लस टू क्लास का जो फिजिक्स का पेपर आया था वो उनके स्टैंडर्ड लेवल से काफ़ी ज़्यादा टफ और लेंथी आया था, जिसकी जो मेल है वो सीबीएसई को कर दी गई थी। उसके बाद एक और स्क्रीन शॉट जो आपको मैंशन किया जा रहा है, इसमें लिखा है वाइल एनालाइजिंग करने के बाद ऑफ द क्लास 12 फिजिकल क्वेश्चन पेपर फिजिक्स क्वेश्चन पेपर ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। यहाँ पे कुछ स्कूल के नाम से मेंशन किए गए हैं, KIIT वर्ल्ड स्कूल, गुरुग्राम एकेडमी, कोऑर्डिनेटर PGT फिजिक्स योगिता शर्मा सेड मोस्ट स्टूडेंट फेल्ट सेक्शन सी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। जो सेक्शन सी था वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, जिसकी वजह से सेक्शन सी वॉज कंसिडर्ड डिफिकल्ट वाइल सेक्शन डी वॉज कंसिडर्ड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल। सेक्शन सी और डी दोनों ही डिफिकल्ट लेवल के अंदर डाल दिए गए हैं। तो इसकी जो मीटिंग की गई थी तो सीबीएसई ने अपना एनालाइज करने को बोला है, तो उन्होंने अपनी गलती भी मानी है कि यहाँ पे चलो उनसे जो भी पेपर हुआ वो थोड़ा सा उनके लेवल से टफ हुआ था। इसके ऊपर अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उन्होंने ने जो बच्चों ने डिमांड की और जो प्रिंसिपल ने अपनी मेल के थ्रू बोला गया कि अब आने वाले जो एग्जाम्स होंगे उनका जो पेपर स्टैंडर्ड लेवल होगा वो ईजी होगा, और दूसरी बात उसमें बोली अगर ये पेपर चलो स्टैंडर्ड इसका टफ आ भी गया तो इसमें जो चेकिंग है वो लीन की जाए, मतलब इनको जो चेकिंग होगी वो लीन होगी, काफ़ी ईजिली चेकिंग की जाए पेपर की, ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग ना हो। तो इससे आने वाले हमें गुड न्यूज़ क्या मिली है कि अब जो दोनों ही पेपर होंगे, 10th क्लास का आने वाला 15 तारीख को SST का पेपर होने वाला है सोशल स्टडीज़ का, और 12th का जो हमारे वाला पेपर होने वाला है 11 तारीख को मैथमेटिक्स का अप्लाइड मैथमेटिक्स, दोनों ही पेपर ईजी आने के चांसेस हैं, बहुत बहुत दोनों ही पेपर जो है वो चांसेस हैं कि वो पेपर जो है अब ईजी आएंगे, इतने डिफिकल्ट लेवल के नहीं आएंगे। अब जो हमारा फिजिक्स का पेपर जो डिफिकल्ट गया था उसकी चेकिंग भी अब काफ़ी लीन होने के चांसेस है, मतलब काफ़ी अच्छे से उसकी चेकिंग होगी, मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग जो है उसकी नहीं की जाएगी।